नेपाल से सटा हुआ एक जिला है, तो इस वजह से बलरामपुर की जो पोजीशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और इंटरनेशनली यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो कुछ भी अगर अराजक गतिविधियाँ हो रही हैं तो उस पर नियंत्रण लगाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा सामान्य रूप से भी जो जनपद में अपराध घटित हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक था, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क काफ़ी मजबूत हो। तो इसी दिशा में एक पहल की गई है जनपद बलरामपुर में, जिसको नाम दिया गया मुखबिर रोजगार योजना। इसके अंदर ये है कि जो भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देगा उसको हम इनाम देंगे। मुखबिरों की व्यवस्था पुलिस में बहुत पुरानी है और मुखबिरों को पुलिस की तरफ से इनाम भी दिया जाता है सही सूचना देने पर। बस ये जो व्यवस्था है इसका हमने प्रचार प्रसार कर दिया है और इसकी वजह से काफ़ी सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जैसे अभी हाल में ही हमने 17 लाख की शराब पकड़ी है और इसमें जिस मुखबिर ने सूचना दी थी उसको 10,000 रुपये इनाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त जब से इस योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है हमारे पास अलग अलग प्रदेशों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं जिसमें लोग इस बारे में जानकारी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये योजना हमारे ज़िले में भी चल रही है कि नहीं चल रही है। कुछ फ़ोन कल हमारे पास 2 फ़ोन दुबई से भी आए जिसमें इन लोगों ने बताया कि हम कोई सूचना होगी तो हम आपको बताएंगे, और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि इससे अपराधियों पर नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो योजना है ये बेसिकली योजना इसलिए है कि हमको जितना भी अधिक जनता की तरफ से हमको सूचनाएँ मिलेंगी हमको अपराध नियंत्रण में उतनी ही हेल्प मिलेगी। तो इस योजना के सार्थक परिणाम हैं और हम लोग लगातार इस चीज़ में मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस योजना को और भी अधिक प्रभावशाली कैसे बनाएं।